नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके ही YouTube चैनल राजस्थान क्लासेज YouTube फैमिली पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपना जो भौतिक प्रदेश जो चल रहा था, भौतिक संरचना जो अपनी चल रही थी जीके के अंदर, जो हैंड जो नोट्स थे दोस्तों, ठीक है, तो उसकी है जो अपन क्विज, तो दूसरी क्विज दोस्तों, दूसरा पार्ट है जो आ चुका है। जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अरावली पर्थमाला। इससे पहले अपन भौतिक प्रदेश का है जो कौन सा भाग पढ़ चुके हैं दोस्तों, उत्तर पश्चिमी भाग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब है जो अपनी अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतीय श्रृंखला है दोस्तों, अरावली पर्वतीय भाग है, ठीक है। तो अपन है जो विस्तृत जानकारी के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। आप सभी को पता है कि विस्तृत जानकारी जो भी है, जो कहीं कहीं से सारा जीके है जो एक साथ कवर किया जा रहा है अपने इस नोट्स के आधार पे, ठीक है दोस्तों। आपको बता दिया है कि आज से लिखे हुए नोट से आपको पीडीएफ भी मिलेगी, लेकिन पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, ये कष्ट आपको करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक है जो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो सकते हैं ज्वाइन, वो है जो इसके डिस्क्रिप्शन है जो लिंक दे देंगे, सारा है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें ज्वाइन होकर आपको पीडीएफ भी आप प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। उससे पहले, सबसे पहले क्लास अपने स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको। लाइव क्लास जो है प्रश्नोत्तरी की, वो शाम 9 बजे लगती है। आप सभी को पता है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, यदि नए मेंबर नहीं है तो, और नए मेंबर के लिए ये है जो इन्फॉर्मेशन है। लाइव जो थ्योरी क्लास है वो जैसे इस टाइम है, आज थोड़ी दोस्तों जल्दी कर दिया 8:30, हर रोज़ दोस्तों 9 बजे करते हैं और सुबह 9 बजे जो करते हैं, ठीक है। आज है जो 8:30 कर दिए। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी अपनी साइज है फोटो की परफेक्ट कर देते हैं और पीडीएफ फाइल की भी परफेक्ट कर देते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन बात करें तो भौतिक जो अपन पढ़ रहे थे, भौतिक विभाग जो राजस्थान में कितने भागों में बांटा गया है, भौतिक विभागों के रूप में 4 भागों में मरुस्थली भाग है, उत्तर पश्चिम मरुस्थली भाग, जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है ये जो मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है दोस्तों, और है जो पठारी भाग है और है जो मैदानी भाग है, ठीक है। तो ये अपन है जो पढ़ेंगे आज, है जो अरावली पर्वतीमाला पूरी कंप्लीट पढ़ेंगे दोस्तों। ये है जो 5 से 6-7 पेज की जो पीडीएफ होगी, ये अपन विस्तृत जानकारी के साथ पढ़ेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपन स्टार्ट से बात करें दोस्तों, तो मध्यवर्ती जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसके अंदर कौन कौन से जिले हैं जो इसके अंदर, इसके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करें यहाँ से जो पश्चिम से, तो दोस्तों पश्चिम मतलब कि दक्षिण पश्चिम से यदि बात करें तो यहाँ से उदयपुर स्टार्ट होता है, दक्षिण से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। देखिए दोस्तों, ये है जो पूरा संभाग हो गया, कौन सा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, एक इसके अंदर जो बांसवाड़ा का कुछ एक भाग है वो इसमें मैंने नहीं लिखा है, थोड़ा सा भाग है जो बांसवाड़ा का है, ठीक है। ये तो है जो पूरा संभाग हो गया, आपको याद रखना है अरावली पर्वतमाला के अंदर है जो पूरा संभाग जो है, ये उदयपुर संभाग पूरा सम्मिलित है, ठीक है। अब बात करें तो दोस्तों, सीकर है, झुंझुनू है, अजमेर, सिरोही होते हुए अलवर और पाली व जयपुर का कुछ भाग है जो इसके अंतर्गत आता है। दोस्तों यदि क्वेश्चन कर दिया जाए कि अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत कुल है जो कितने जिले हैं जो आते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है वहाँ पर क्वेश्चन आंसर यही देना है कि 13 जिले आते हैं, परफेक्ट है जो दोस्तों 13 जिले ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो ये पर्वत श्रेणियां जो काफ़ी ऊंची थी दोस्तों, ये जो पहले प्राचीन समय की यदि बात करें तो ये पर्वत श्रेणियां जो काफ़ी ऊंची थी, किससे, हिमालय से भी ऊंची थी दोस्तों, ठीक है, हिमालय से भी ऊंची थी, परंतु धीरे धीरे आच्छादन के कारण है जो ये नीचे हो गई। हिमालय से भी ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं ना दोस्तों, आपने चुनी है नीलगिरी, हिमालय, उससे भी ये पहाड़ियाँ हैं जो पर्वत श्रेणियाँ ऊँची थी, लेकिन ये धीरे धीरे आच्छादन के कारण है जो नीचे हो गई। चलिए दोस्तों, इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो सबसे पहले अपन इस कड़ी के अंदर बात करेंगे क्षेत्रफल की। दोस्तों राज्य के संपूर्ण भाग का कितना क्षेत्रफल है, इसका 9% है दोस्तों, कितना है, सिर्फ 9%, ज़्यादा नहीं है। और उत्तर पश्चिम मरुस्थल क्षेत्र का कितना है दोस्तों, 61% है, कितना है, 61% केवल उसका है पूरे राजस्थान का। तो दोस्तों ये उसके यदि तुलना की जाए, उसकी कंपेयर की जाए उत्तर पश्चिम की, तो दोस्तों कुछ नहीं है, फिर भी आपको है जो परफेक्ट याद रखना 9% है जो क्षेत्रफल है राज्य के संपूर्ण क्षेत्रफल भाग का, ठीक है। चलिए दोस्तों जनसंख्या की बात करें, क्षेत्रफल की तरह जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर है जो लगभग राज्य का 10% जनसंख्या अरावली की पर्वतमाला जो इस क्षेत्र में
निवास करती है। अधिकांशतः जो यहाँ पर है क्या है दोस्तों, जनजातियाँ हैं, भील है, मीणा है, ग्रासिया, ये जनजातियाँ जो हैं अधिकांश यहाँ पर है जो रहती है। चलिए दोस्तों वर्षा की बात करें यहाँ पर, तो वर्षा जो होती है 50 से 90 सेमी तक होती है, और मरुस्थली प्रदेश में कितनी होती है दोस्तों, तो याद रखना आपको 20 से 50 सेमी तक मरुस्थली प्रदेश में होती है, और यहाँ पर है जो 50 से सीधी डबल होती है 50 से 90 सेंटीमीटर तक। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, जो कि दोस्तों कहाँ पर है, ये माउंट आबू जो है दोस्तों सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है, सिरोही में है माउंट आबू सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। ये टॉपिक बीच में क्यों डाला है दोस्तों, क्योंकि अपने ये जो वर्षा के संदर्भ में जो आया यहाँ पर है, तो टॉपिक इसलिए है जो यहाँ पर डाला है, ठीक है। तो माउंट आबू है जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है राजस्थान का। लगभग यहाँ पर यदि बात करें तो लगभग वर्षा जो होती है वो 150 सेमी तक होती है, ठीक है। और जलवायु की बात करें दोस्तों, तो जलवायु जो यहाँ की होती है उप आद्र जलवायु होती है, और जो शुष्क प्रदेश की वहाँ की जलवायु कैसी होती है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय होती है। चलिए शीतोष्ण, ठीक है, वो जलवायु होती है मरुस्थली भाग में। मिट्टी की दोस्तों बात करें तो काली भूरी लाल, और वहाँ पर उत्तर पश्चिम मरुस्थली में बलुई मिट्टी होती है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है दोस्तों, काली भूरी लाल। यदि कलर की बात करें, काली भूरी लाल, तो कलर वाली मिट्टियाँ जो होती है वो होती है अरावली पर्वतमाला में, ठीक है। एकमात्र स्यार विभाग में जो अरावली पर्वतमाला, इसमें है जो काली भूरी लाल कंकरीली मिट्टी है जो यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर से पश्चिम से कहाँ से किस प्रकार है। विस्तार की बात करें दोस्तों, को गुजरात में खेड़ा ब्रह्मा, ठीक है, वहाँ से पालनपुर से लेकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी, जो कि झुंझुनू लास्ट राजस्थान का झुंझुनू है जो लास्ट जिला है खेतड़ी, जो कि सिंगाना, खेतड़ी जो है कहाँ पर, सिंगाना में झुंझुनू तक श्रृंखलाबद्ध रूप में ये है जो है दोस्तों। इस श्रृंखलाओं की चौड़ाई जो है वो दक्षिण पश्चिम में अधिक है, और जो धीरे धीरे उत्तर पूर्व में कम होती जाती है दोस्तों। सबसे पहले दक्षिण पश्चिम जो कि उदयपुर से स्टार्ट होती है, उदयपुर से लेकर है जो संकरी हो जाती है, आगे जाते हुए है जो संकरी हो जाती है, जो कि झुंझुनू तक जाते हुए संकरी हो जाती है, जयपुर झुंझुनू के पास जाती हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है दोस्तों। गोंडवाना लैंड का जो अवशेष है अरावली पर्वतमाला, और जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय जो है वो किसका अवशेष है दोस्तों, 33 सागर का अवशेष है, जो कि कौन सा, अफ्रीका के मरुस्थलीय का भाग है, ठीक है। और अरावली जो पर्वतमाला है ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है, और इसकी उत्पत्ति दोस्तों कब हुई थी ये आपको बता दूँ, ये जो इस उत्पत्ति इसकी जो मानी जाती है वो मानी जाती है भूगर्भिक इतिहास के प्री कैम्ब्रियन कल्प, जो कि प्राचीन काल था कैम्ब्रियन कल्प में, लगभग 650 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है दोस्तों। कितनी पुरानी मानी जाती है इस अरावली, जो अरावली है ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है, इसका है जो उत्पत्ति कब से मानी जाती है, 650 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है दोस्तों। इस क्लास के बीच में आपसे निवेदन करूंगा, आपका टाइम वेस्ट करूंगा, आप चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल प्रेस जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको हम यहाँ से जब भी वीडियो अपलोड करें लाइव के लिए, आप है जो लाइव आ पाएंगे, अपडेट रहेंगे, ताकि जो आपकी राजस्थान की जीके आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो कंप्लीट हो जाएगी, कवर हो जाएगी, ये आपसे मेरा वादा है दोस्तों। बाकी है जो आप अपना स्नेह और विश्वास हमेशा के लिए बनाए रखें, तो इससे है जो काफ़ी है जो फर्क पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं खनिज की, तो खनिज के रूप में है जो तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक दोस्तों, ये है जो खनिज है जो यहाँ पर मुख्य रूप से उत्पादित होते हैं। कौन कौन से देखिए, तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक, ठीक है, चांदी, लोहा, मैगजीन, मैगनीज, पेल्सपार, ग्रेनाइट, मार्बल, चूना पत्थर, और कौन सा, और पन्ना, ये है जो यहाँ का प्रसिद्ध है जो खनिज है, ठीक है। मुख्य दर्रे और नाले कौन सी है दोस्तों, दर्रे और नाले जो होती है जो चट्टानों को काट कर बनाई जाती है, कट कर बनी हुई होती है, तो दोस्तों वो है जो क्या है यहाँ पर, कौन कौन सी है, देसूरी की नाल, ठीक है दोस्तों, पाली से थोड़ी दूर, और देखिए हाथी घोड़ा का दर्रा, केवड़ा की नाल, ये दोस्तों कहाँ पर है, उदयपुर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीलवाड़ा
केवड़ा की नाल कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में, जीलवाड़ा जीलवा की नाल, सोमेश्वर नाल, स्वरूप घाट, दिवेर व हल्दीघाटी दर्रा, हल्दीघाटी दर्रा राजसमंद में, दिवेर दर्रा है जो राजसमंद में, ठीक है दोस्तों। तो आपको है जो स्वरूप घाट भी राजसमंद में, ये चीज़ें आपको है जो याद रखनी है। दर्रे, मुख्य जो दर्रे दोस्तों आपको बता दिए, देसूरी की नाल, हाथी गुड़ा का दर्रा, केवड़ा की नाल, उदयपुर, जीलवाड़ा या जीलवा की नाल, सोमेश्वर नाल, स्वरूप घाट, दिवेर व हल्दीघाटी दर्रा, ये जो राजसमंद में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इस पर्वतमाला में दोस्तों सबसे सर्वाधिक जो ऊंचाई पर चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सर्वाधिक ऊंची चोटी? तो दोस्तों आप सभी को पता है ये चीज़ तो, कि गुरु शिखर है जो सर्वाधिक ऊपर चोटी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, जिसका कुल है जो लंबाई है 1722 मीटर है दोस्तों। कितनी है? 1722 है। कहीं कहीं आपको बुक्स में से या नोट्स में कहीं आपको देखने को मिलेगा कि 1727 है, लेकिन नहीं, 1722 है जो दोस्तों, परफेक्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो कहाँ पर है, ये सिरोही में है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अरावली की कुल जो है लंबाई कितनी है दोस्तों, अरावली की जो कुल लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? अरावली की कुल लंबाई की यदि बात करें तो 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर है दोस्तों। यदि आपको क्वेश्चन कर लिया जाए कि राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई कितनी है, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे? 692 नहीं बल्कि 550 करेंगे। 550 किलोमीटर है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है राजस्थान के अंदर। आपको राजस्थान का ही पूछा जाएगा, ठीक है, जो कि कितना प्रतिशत है? 80% केवल है जो राजस्थान में विद्यमान है। और सर्वाधिक ऊंची चोटी गुरु शिखर किस कितनी है लंबाई? 1722 किलोमीटर है, ठीक है। अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम कौन से पर्वत है दोस्तों? वलित पर्वत है, ठीक है, वलित पर्वत है जो सही आंसर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अरावली ढालों पर मक्का की खेती की जाती है मुख्यतः यहाँ पर, है ना, बाकी खेती की जाती, लेकिन मुख्यतः जो है अरावली ढालों पर मक्का की खेती की जाती है। और दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों 930 मीटर है जो समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई है, काफ़ी है जो ज़्यादा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, अरावली के पूर्व में गिरने वाला पानी नदियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में तथा पश्चिम में गिरने वाला पानी है जो अरब सागर में जाता है। दोस्तों अरावली के पूर्व में गिरने वाला पानी है जो नदियों वाला पानी है वो बंगाल की खाड़ी में, और जो पश्चिम में होता है वो जाता है अरब सागर। दोस्तों अपन है जो नदियां पढ़ेंगे ना आगे, इससे एक दो टॉपिक आगे पढ़ेंगे ये भौतिक विभाग है जो कंप्लीट करने के बाद, तो दोस्तों नदियां अपन ऐसे ही पढ़ेंगे, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां वो अलग पढ़ेंगे और अरब सागर में गिरने वाली नदियां अलग पढ़ेंगे। तो दोस्तों वो अपन बड़ी अच्छी ट्रिक से, राजस्थानी ट्रिक से पढ़ेंगे, आपको श्योर है कि 100% वो एक बार में याद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करें तो अरावली की जो मुख्य श्रेणी क्वार्ट्ज़ाइट चट्टानों की बनी है दोस्तों, जो मुख्य श्रेणी है वो कौन से चट्टानों की बनी है? क्वार्ट्ज़ाइट चट्टानों से बनी है, ठीक है। और ये जो प्राचीन जो पर्वतमाला है कौन सी है? वलित पर्वतमाला है, ठीक है। और उत्तर पूर्वी छोर पर दोस्तों क्या है? पोतवार का पठार है। अरावली के उत्तर पूर्वी छोर पर है जो कौन सा है? पोतवार का पठार है। हाँ तो दोस्तों इस पर जो बहने वाली नदियों की घाटियों में अनेक सभ्यताएं विकसित हुई, यहाँ पर कौन कौन सी दोस्तों सभ्यताएं विकसित हुई वो भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आहार सभ्यता विकसित हुई, बालाताल सभ्यता विकसित हुई और बागोर सभ्यता विकसित हुई। दोस्तों आहार सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में। और बागोर सभ्यता जो है ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, ठीक है दोस्तों। तो आपको यह जो याद रखना है ये है जो सभ्यताएँ यहाँ पर विकसित हुई। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, आबू पर्वत पर स्थित राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? गुरु शिखर है दोस्तों। कौन सी है? गुरु शिखर है, ये आपको पहले भी बता रुका हूं मैं। 1722 मीटर है, मतलब कि फिट की बात करें तो 5650 फिट है जो ऊंचाई पर है दोस्तों। ये राज्य की आबू पर्वत पर स्थित है ये सबसे ऊंची चोटी। और दोस्तों क्या है नेक्स्ट, गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा दोस्तों? संतों का शिखर का। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉड जो कि इतिहासकार हुए थे, उन्होंने क्या कहा था कि ये तो है जो संतों का शिखर है, ठीक है दोस्तों। और इसे है जो गुरु माथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे गुरु माथा भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करें इसी टॉपिक में तो वनस्पति जो यहाँ पर है वो कौन कौन सी पाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ढाक पाया जाता है, गुल्लर है, जैसे हरड़ है,
आम है, जामुन है, गुग्गुल है, और कौन सा शीशम है, आंवला, नीम, बहेड़, इस प्रकार की जो है वनस्पति यहाँ पर पाई जाती हैं, होती हैं। दोस्तों सबसे पहले यदि यहाँ से बात करें, देखिए शिवाना, शिवाना है जो कहाँ पर है, जालौर एवं बाड़मेर, जो बाड़मेर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, छप्पन की पहाड़ियाँ कहा जाता है। दोस्तों जो मुख्य मुख्य तथ्य है वो है, जो पहले पढ़ लेते हैं, शिवाना, जालौर एवं बाड़मेर की जो पर्वतीय पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर छप्पन की पहाड़ियाँ कहलाती है, पर्वतीय क्षेत्र है जो, ठीक है। अच्छा यहीं पर है जो नाकोड़ा पर्वत भी है, और नाकोड़ा की पहाड़ियाँ भी कहलाता है, ये नाकोड़ा का पर्वत भी कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो ग्रेनाइट चट्टानों का यहाँ पर बाहुल्य है, ठीक है, इसी अरावली पर्वतमाला में, इसीलिए जालौर को ग्रेनाइट नगरी कहा जाता है। दोस्तों जालौर के अंदर है जो ग्रेनाइट चट्टानों का बाहुल्य है, इसलिए जालौर को ग्रेनाइट नगरी कहा जाता है। नाकोड़ा जो कि मेवा नगर, भगवान पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है यहाँ पर, कौन सा, भगवान पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है, कहाँ पर है, नाकोड़ा में। चलिए दोस्तों अपन अरावली पर्वतीय प्रदेश की स्थलाकृति पढ़ते हैं, जो कि तीन चार भागों में, ठीक है, तो वो है जो ये है जो दोस्तों आपको आसानी से समझ में आएगी, इसलिए जो डिवाइड करके आपको बताया है इसके अंदर, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश दोस्तों, इसके अंदर, इसके भीतर कौन कौन से प्रदेश आते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो दोस्तों देखिए जयपुर ज़िले के उत्तर पूर्व में स्थित कौन सा, शेखावाटी एवं तोरावाटी की पहाड़ियाँ हैं जो, ये है कौन सी, उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, ठीक है। जयपुर एवं अलवर की पहाड़ियाँ शामिल है इसके अंदर, जयपुर और अलवर की पहाड़ियाँ भी शामिल है, शेखावाटी एवं तोरावाटी की पहाड़ियाँ भी शामिल है। इस भाग की दोस्तों औसत ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, 450 मीटर है, कितनी है दोस्तों, 450 मीटर है, जो कि उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश है ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इस भाग की प्रमुख जो चोटियां हैं यहाँ पर, कहाँ पर, इस जयपुर में और शेखावाटी क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। तो इस भाग की जो प्रमुख चोटियां हैं वो कौन सी है, देखिए रघुनाथगढ़, सबसे पहले बात करते हैं अपन, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, सीकर में है, 1055 मीटर पर है। दोस्तों ये जो चोटियाँ हैं ना, जो प्रमुख चोटियाँ, लगभग 15 लगभग चोटियाँ हो जाएगी कुल, है ना, पर अरावती पर्वतमाला में। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा ये अलग से एक ट्रिक बना के दूँ आपको, यदि बनी तो ज़रूर आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक इसमें इसके इस थ्योरी क्लास के अंदर मैंने इतना नहीं लिया था डीपली कि इसके लिए कोई ट्रिक बने या नहीं। दोस्तों आगे देखूँगा कि यदि बनी तो आपको ज़रूर 100% जो आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। रघुनाथगढ़ दोस्तों सीकर में 1055 मीटर है, खो जो कि जयपुर में, इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 920 मीटर है, ठीक है। और बाबाई जो है ये कहाँ पर है, झुंझुनू में, बाबाई जो है झुंझुनू में दोस्तों 780 मीटर है, बाबाई झुंझुनू 780। बैराट जो कि कहाँ पर है, जयपुर में है, 704 किलोमीटर है। जयगढ़ कहाँ पर है, जयपुर में है, 648 मीटर। नहारगढ़ कहाँ पर है, 599 मीटर है, जो कि जयपुर में है। बरवाड़ा जो कि 786 मीटर, और मनोरपुरा जो कि कहाँ पर है दोस्तों, ये 700 है, जो 747 किलोमीटर है मीटर है। दोस्तों देखिए खो, बाबाई, खो है गई, बैराट, जयपुर, नारगढ़, ये तो स्थान भी है वहाँ के जयपुर के, तो दोस्तों आपको पहाड़ियों के साथ साथ स्थान भी है जो याद रखने हैं। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों अपन यहाँ के प्रमुख शिखर, यहाँ के जो प्रमुख शिखर है वो कौन कौन से है। देखिए भैराज जो कि 792 मीटर ऊंचा है, भानगढ़ जो कि है दोस्तों 649 मीटर है जो ऊंचाई पर है, सिरवास जो कि कितना है, 651 मीटर है, अलवर दुर्ग 597 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और बिलाली 775, और सरिस्का है जो 677 मीटर है जो कि अलवर में। दोस्तों ये है जो प्रमुख शिखर है यहाँ के। अब दोस्तों अपन आगे बात करेंगे मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र का। दोस्तों मध्यवर्ती अरावली श्रेणी है ये, इससे पहले अपन पढ़ चुके कौन सा, देखिए उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश पढ़ चुके, कौन सा, उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। अब है जो मध्यवर्ती आ गया है, ठीक है, मध्यवर्ती कैसे पढ़ेंगे, जयपुर से राजसमंद तक विस्तृत भाग है ये, सिर्फ जयपुर से राजसमंद तक है जो विस्तृत है। पहाड़ियों की ऊंचाई यहाँ से 700 मीटर है, कितनी है, औसत ऊंचाई जो है 700 मीटर है, और पिछली जो अपने पढ़ी है जो उत्तर और दक्षिण और पश्चिम में, इसकी कितनी है दोस्तों, उत्तर पूर्वी जो है पहाड़ी प्रदेश, इसकी जो है 450 है, कितनी, 450।
और जो इसकी है मध्यवर्ती अरावली की, ये है 700 मीटर है, ठीक है, औसत ऊंचाई। दोस्तों प्रमुख यहाँ की चोटियाँ जो है वो कौन कौन सी है, टॉडगढ़ है जो कि अजमेर में 933 मीटर है, तारागढ़ जो कि 873 मीटर है अजमेर में है दोस्तों, और नागपाड़ की पहाड़ियाँ जो कि लूणी नदी का मुख्य उद्गम स्थान है नागपाड़ी, तो ये है जो अजमेर में 795 मीटर है जो ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों अलग से पहाड़ियों की ये जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी, शायद मैं ट्रिकली है जो बना दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की जो औसत ऊंचाई है, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की औसत ऊंचाई 500 मीटर है, तो 550 मीटर है। दक्षिणी अरावली प्रदेश दोस्तों तीन नंबर आ चुका है, दक्षिणी अरावली प्रदेश जो कि मुख्यतः है जो दोस्तों कौन कौन सा क्षेत्र है, काफी है जो इसके अंदर है, देखिए सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, दोस्तों ये तो हो गया पूरा जो है दक्षिणी भाग जो कि है कौन सा है, उदयपुर जो संभाग का भाग हो गया, ठीक है। तो ये जो आपको याद रखना है दक्षिणी अरावली प्रदेश पूरा। भोरट का पठार यहीं पर है दोस्तों, इसकी जो कुल भोरट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, 1225 मीटर औसत ऊंचाई है भोरट की पठार की, और लाचड़िया का पठार भी यही है दोस्तों, और जयसमंद झील के पास में, कहाँ पर है, जयसमंद झील के पास लाचड़िया का पठार, और उदयपुर व राजसमंद क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है दोस्तों, जरगा है, कौन सी है, जरगा, और राज्य की चौथी सर्वोच्च चोटी जो है जरगा है। इसकी कुल लंबाई की बात करें दोस्तों तो लंबाई जो है इसकी 1431 मीटर है दोस्तों, कितनी है, 1431 मीटर है, ठीक है, और ये जो नाम है जरगा और है जो उदयपुर व राजसमंद क्षेत्र की सबसे बड़ी चोटी। चलिए नेक्स्ट क्षेत्र की अन्य चोटियां जो है दोस्तों काफी है और भी है, तो दोस्तों आपको याद करने में शायद थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन है जो दोस्तों ट्रिकली बनेंगे आपको याद हो जाएगी, ये है जो अपन थ्योरी के अंदर पढ़ रहे हैं। कुंभलगढ़ कितनी है दोस्तों, 1224 मीटर है जो कि राजसमंद में, लीलागढ़ नागफनी, लीलागढ़ 874 है, नागफनी 867 है, तो राजसमंद में ये भी। कमलनाथ की पहाड़ियां दोस्तों ये 1001 किलो जो मीटर है ऊंचाई है इसकी, राजसमंद में है ये भी। सज्जनगढ़ दोस्तों उदयपुर में 938 मीटर है। ऋषभदेव दोस्तों गोगुंदा, ऋषभदेव, सायरा, कोटड़ा, ये सभी कहाँ पर है, ये उदयपुर में, तो दोस्तों गोगुंदा की यदि ऊंचाई की बात करें 840 मीटर है, सायरा की 900 मीटर है, कोटड़ा की है जो 450 मीटर है, ठीक है, तो आपको है जो याद रखना है। दोस्तों देखिए सिरोही में उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भाकर कहा जाता है उनकी स्थानीय भाषा में, और इसी प्रकार यदि उदयपुर में गिरवा कहा जाता है, इसी प्रकार जैसे उदयपुर में क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में, गिरवा कहा जाता है, और चित्तौड़ का पठारी जो भाग है दोस्तों मेसा का पठार कहा जाता है, कौन सा पठार कहा जाता है, मेसा का पठार चित्तौड़ में कहा जाता है दोस्तों, गिरवा है जो उदयपुर में कहा जाता है, और कटक है जो कहाँ, सिरोही में कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपन, आबू पर्वत से चटा हुआ जो सबसे ऊंचा पठार है, कौन सा पठार है, उड़िया का पठार है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर चोटी है। दोस्तों देखिए उड़िया का जो पठार है ऊंचाई में कितना ऊंचाई में दोस्तों, 1360 मीटर की ऊंचाई में दोस्तों, कितना है, 1360 मीटर की ऊंचाई में, सबसे ऊंची चोटी जो कि कहां पर है, सिरोही में, जो गुरु शिखर के नीचे ये पठार है, 1360 मीटर लंबा है, ठीक है। राज्य की दोस्तों दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, 1597 मीटर जिसकी है, जो है शहर है, कौन सी शहर है, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी चोटी, और उसके बाद है दोस्तों और कौन सी है, 1442 जो कि दिलवाड़ा है, उसके बाद अचलगढ़ 1380 है, उसके बाद दोस्तों आबू है 1295, उसके बाद ऋषिकेश है 1017, धोरनिया है जो 1183 है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जालौर क्षेत्र की प्रमुख चोटियों के बारे में, इसराना भाकर, रोजा भाकर, देखिए दोस्तों जालौर के अंदर भाकर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भाकर कहा जाता है, इस पर्वतीय श्रृंखला को भाकर कहा जाता है स्थानीय भाषा में, तो दोस्तों देखिए इसराना भाकर 839 मीटर है, रोजा भाकर 730 मीटर है, झारोला भाकर है जो 588 मीटर है, ठीक है।
दोस्तों आपको यदि समझना है तो वीडियो को शायद एक बार और देखना पड़ेगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा, अभी तो हमारे पास बहुत समय है। दोस्तों ये वीडियो आप देख लेंगे तो 100% मैं कहूँगा यदि आपके समझ में आ जाता है तो दोस्तों आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। दोस्तों संपूर्ण विस्तृत जानकारी इस वीडियो के अंदर, इस नोट्स के अंदर है जो शामिल करने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। तो दोस्तों विश्वास रखिएगा, आप अपना स्नेह है जो बनाए रखिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी, इससे अच्छी अच्छी है जो जी के लेकर आऊँगा और नोट्स है जो बना के लेके आऊँगा। चलिए दोस्तों, शिवाना की गोलाकार ग्रेनाइट पहाड़ियों को चप्पन की पहाड़ियाँ एवं नाकोड़ा पर्वत कहते हैं। दोस्तों ये चीज़ मैं सबसे पहले ही आपसे क्लियर करवा चुका हूँ, शिवाना की पहाड़ियाँ जहाँ पर नाकोड़ा का पर्वत भी कहते हैं, चप्पन की पहाड़ियाँ कहलाती है जो कि बाड़मेर जालौर का क्षेत्र आता है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे दोस्तों क्या है यहाँ पर, आगे है जसवंतपुरा की पहाड़ियों में डोरा पर्वत है जो प्रमुख चोटी है। जसवंतपुरा की जो पहाड़ियाँ है ना जालौर की, तो दोस्तों यहाँ पर है जो डोरा पर्वत है नाम से है, ये 869 मीटर है जो प्रमुख चोटी है, इसकी लंबाई इतनी है 869 मीटर। चलिए दोस्तों तो हो गया पूरा कंप्लीट अपनी है जो ये जो नोट्स है ना दोस्तों आपको मिलेंगे, लेकिन ये टेलीग्राम पर मिलेंगे। शायद दोस्तों आपको नोट्स अच्छे लगे होंगे, मेरे ख्याल से आपको अच्छे लगे होंगे क्योंकि नोट्स के अंदर दोस्तों विस्तृत जानकारी है जो देने की कोशिश की है मैंने, ठीक है दोस्तों। तो ये है जो आपको कोई बुक भी लेंगे तो भी आपको बुक में इतना शायद मिलेगा, ये जो दो तीन बुक्स और नोट्स हैं मेरे खुद के पहले से बनाए हुए नोट्स हैं वो सभी इसके अंदर है जो शामिल कर रखे हैं, ठीक है दोस्तों। कोई आगे अपन ट्रिकली भी पढ़ेंगे, नदी अपन ट्रिकली पढ़ेंगे, ये पूरा भौतिक भूभाग होने के बाद ये भौतिक भूभाग दोस्तों आपको समझने की आवश्यकता रहेगी। तो दोस्तों हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस भौतिक भाग से पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो आपको अच्छे से जो क्लियर करा दूँ तो मेरा कर्तव्य बनता है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए शेयर, उसके बाद करिएगा लाइक। दोस्तों अभी टाइम है आपके पास इसलिए कह रहे हैं, बाकी टाइम नहीं होता और एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं तो आपको ओनली ऑन फोकस ऑन स्टडी दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्टडी पर ही ध्यान देना होता है, लेकिन अभी तो अपने पास समय है, ज़रूर आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, उनको भी ज़रूर बताएं कि इस प्रकार का जो चैनल है राजस्थान क्लासेज यूट्यूब फैमिली द्वारा जो इस प्रकार की क्विज डाली जाती है शाम 9 बजे जो प्रश्नोत्तरी डाली जाती है, आप भी लाइव रहें और आपके दोस्तों को भी लाइव रखें। और दोस्तों आपका दिन शुभ हो और आप पढ़ते रहिए राजस्थान क्लासेस के साथ, इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।